हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं वेव के आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। कैसे करोगे, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो तुमसे होता है। अगर नहीं होता है तो फिर देखो कहाँ गलती कर रहे थे। चलो, कहता है ट्रांसवर्सल वेव रिप्रेजेंटेड बाई, ये एक जनरल इक्वेशन है। ये देखो, जब कोई वेव चलती है तो उसमें यार डिस्टरबेंस होता है, बहुत सारे पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं और एनर्जी प्रोपोगेट होती है। जैसे मान लो मैंने एक वेव बनाया, ये इसमें यार बहुत सारे पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, ट्रांसवर्सल वेव है, और एनर्जी इधर प्रोपोगेट हो रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, बराबर है। तो यहाँ पर दो दो वेलोसिटी हो गई यार, एक तो एनर्जी वेव की वेलोसिटी हो गई और एक पार्टिकल का मोशन हो गया, तो दो वेलोसिटी है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द वेव लेंथ, हमें लैम्डा निकालना मेरे भाई। लैम्डा क्या चीज है, वेलोसिटी इक्वल टू किसकी वेलोसिटी भैया, वेव वेलोसिटी। वेव मतलब एनर्जी जो प्रोपोगेट हो रही है उसकी वेलोसिटी, इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये क्या भैया, ये किसका इक्वेशन है, ये इसमें तीन वेरिएबल है, देखना y डिस्प्लेसमेंट है, x भी डिस्प्लेसमेंट है, t क्या है, टाइम है। तो तीन वेरिएबल एक साथ रिलेट है इस इक्वेशन में, और ये जो इक्वेशन है कंप्लीटली एक वेव का इक्वेशन है, बराबर है। अब किसी पार्टिकल के बारे में सोचोगे तो ये पार्टिकल, उस पार्टिकल का t टाइम पे x वाले पार्टिकल का t टाइम पे y कोऑर्डिनेट कितना है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से सुनो इसको, x वाले पार्टिकल का, यहाँ पर p नाम का पार्टिकल है जिसका x वाले पार्टिकल का t टाइम पे y कोऑर्डिनेट कितना है, वो ये किसी पार्टिकल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, बराबर है। चलो, तो वेव वेलोसिटी निकालते हैं सबसे पहले, और फिर पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना। अब ये x वाले पार्टिकल का t टाइम पे y कोऑर्डिनेट है, ये इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो p पार्टिकल का क्या आ जाएगा, किसी पर्टिकुलर पार्टिकल का t टाइम पे स्पीड आ जाएगा। तो वेव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो पहले सीखते हैं, फिर पार्टिकल इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर कंडीशन रिलेट कर देंगे। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, शॉर्टकट ट्रिक, और वो आप हमेशा याद रखना, बहुत आसानी से, मतलब दुआएं देगो मुझे, मतलब मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ आपको, इस ट्रिक को सीख लो, फटाक से क्विक से अच्छे से तुरंत निकाल लोगे क्या, वेव वेलोसिटी। जब कभी भी ऐसा कोई इक्वेशन दिया हुआ तो वेव वेलोसिटी निकालने का आसान तरीका, कोफिशियंट ऑफ टी डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स। कोफिशियंट ऑफ टी कितना बोलो, यहां पे टी का कोफिशियंट ओमेगा है, एक्स का कोफिशियंट माइनस के है। तो जब ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ, अगर देखो ये जो इस ट्रिक से जब भी निकालोगे तो अगर ये माइनस आएगा तो वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगी, अगर ये प्लस आया तो वेव निगेटिव एक्स एक्सिस में इधर जाएगी, बराबर है, वेव इधर जाएगी, क्लियर है, ये हमें याद रखना है। चलो, अभी निगेटिव आया, निगेटिव साइन इंडिकेट कर दो, वो पल्स की डायरेक्शन बता रहा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पल्स जा रही है, ये आपका आ गया स्पीड। तो पहले तो वेव की वेलोसिटी हमें पता चल गई। अगर आपको ये नहीं आता तो आप कैसे निकालोगे, आप ट्रेडिशनल मेथड से निकालोगे, सेकेंड मेथड है जो सब लोग जानते हैं, बराबर है। चलो, तो यहां से अब देखो, के की वैल्यू लिख सकते हो, के की वैल्यू कितनी होती है बोलो, 2π λ। देखो, इसके लिए फार्मूला याद करना पड़ेगा, तो 2π फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी लैम्डा, यहां से 2π फ्रीक्वेंसी ओमेगा आ जाएगा, ये स्पीड आ जाएगा, तो यहां से स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के आ जाएगा। दिस इज द वेव वेलोसिटी बाय द ट्रेडिशनल मेथड, ये बहुत इफेक्टिव है यार। चलो, अब निकालते हैं पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दे तो हमें आ जाएगा पार्टिकल की वेलोसिटी। तो dy अपॉन dt दैट इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एक बार इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a साइन का डिफरेंशिएशन आ जाएगा cos ओमेगा t माइनस kx, और ध्यान देना अंदर वाला ये वाला फंक्शन है ओमेगा t kx, ये भी
टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो ये तो माइनस के एक्स माइनस के एक्स का डिफरेंशिएशन जीरो चला जाएगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, और ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ओमेगा बनेगा। तो फाइनली ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस के एक्स, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब जो कंडीशन, दोनों की वेलोसिटी निकल गई, पार्टिकल की वेलोसिटी निकल गई, वेव की वेलोसिटी निकल गई, अब जो कंडीशन दिया हुआ उसको लगाओ। ये कहता है लैम्डा निकालना है, वेव वेलोसिटी इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी हम निकालने हैं वो मैक्सिमम भी हमें निकालना पड़ेगा। पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम तब होगा जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, पूरी वैल्यू 1 होगी। तो ए ओमेगा पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी है। ये पार्टिकल की इक्वेशन है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है, ये पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी है, वेव की वेलोसिटी है। अब इन दोनों को रिलेट कर दो, किसको किसको, जैसा कह रहा है कि पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी वेव की वेलोसिटी के इक्वल है, मतलब ए ओमेगा किसके बराबर है यार, ओमेगा अपन के। तो ओमेगा ने ओमेगा को, तो हम लोगों को जो मिल गया के की वैल्यू डाल दो, के इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई ए, दिस इज द फाइनल वेवलेंथ फॉर विच द कंडीशन इज सेटिस्फाई, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई ए, दैट इज सी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे क्वेश्चन। चलो ये कैसा क्वेश्चन है देखो इसको, ये बेसिकली ट्यूनिंग फोर्क बीट्स का क्वेश्चन है। ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज है, मेक 4 बीट्स पर सेकंड विद वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ ए पियानो। एक स्ट्रिंग को ट्यूनिंग फोर्क के साथ साउंड जनरेट किया जाता है दोनों को, तो हमें 4 बीट्स मिलता है। अब बीट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गया 2 बीट्स व्हेन द टेंशन इन द पियानो स्ट्रिंग इंक्रीज, मैंने टेंशन बढ़ा दिया तो बीट्स फ्रीक्वेंसी कम हो गया, होने दो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पियानो स्ट्रिंग बिफोर इंक्रीजिंग द टेंशन, पहले क्वेश्चन को समझो। बीट्स के क्वेश्चन बहुत बच्चों को परेशान करते हैं, बट मैं सच बताऊं बीट्स के क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है। अगर आपको टीचर सही मिल गया, फैकल्टी सही मिल गया, तो बीट्स के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। एक ट्यूनिंग फोर्क है और एक स्ट्रिंग है, ये दोनों साइड में इसको अटैच कर देता हूं और इसको फंडामेंटल मोड में मान लो वाइब्रेट करवा देता हूं, और ये अपना ट्यूनिंग फोर्क है। अब इन दोनों से साउंड जनरेट हुआ तो ऑब्जर्वर को 4 बीट्स मिल रहा है। ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज है ऐसा दिया हुआ है, बराबर है। इसकी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता है, अननोन है स्ट्रिंग की इस मोड में। अब इन दोनों को जब साउंड किया गया तो हमें 4 बीट्स मिला, ऐसा क्वेश्चन में बताया जा रहा। तो आपको पता है कि जो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी F1 है और ये F2 है, तो F2 माइनस F1 दैट इज 4 बीट्स, बराबर है। तो F2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो F1 प्लस माइनस 4 आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 512 प्लस माइनस 4, मतलब जो पियानो की स्ट्रिंग है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी या तो 516 होगी या 508 होगी। ये तो क्लियर हो गया, ये क्लियर है कि जो पूछा जा रहा है इस स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी या तो 508 होगी या तो 516 होगी। अब ये बात हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एग्जैक्ट सही है, क्योंकि 50-50 का सिचुएशन आ गया। तो उसको सही करने के लिए देयर आर सम कंडीशंस मेंशन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दिए हुए हैं और उन्हीं का मैं यूज करूंगा। देखो मैं कैसे यूज कर रहा हूं। अब अगर ये स्ट्रिंग इस टाइप से है तो आप पढ़े होंगे कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो, इसकी जो फ्रीक्वेंसी जनरल फ्रीक्वेंसी है वो एन वी अपॉन 2L के इक्वल होती है, एन 2L वी टेंशन म्यू अंडर रूट, फंडामेंटल मोड में एन की वैल्यू 1 होती है। तो अब आपको ये बात, टेंशन क्या है, बोलो डिक्रीज हुआ है। अगर टेंशन की वैल्यू डिक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी यार, डिक्रीज होगी, समझना। इफ द बीट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज टू व्हेन द टेंशन ऑन द पियानो स्ट्रिंग इंक्रीज, एक्चुअली उल्टा बोल दिया भाई, तो एक्चुअली टेंशन जो है वो
इंक्रीज हुआ है प्यारे बच्चों, टेंशन इंक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगी, लेकिन बीट्स डिक्रीज हुआ, बीट्स अलग है फ्रीक्वेंसी, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी अलग है इसकी। तो अब आपको टेंशन कम किए फ्रीक्वेंसी, टेंशन इंक्रीज किए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया, चलो इसमें ये फ्रीक्वेंसी यही तो है पियानो की, ये इसी वायर में क्या किए हो आप, टेंशन बढ़ा दिए हो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी तो बढ़ेगी, चलो बढ़ाओ। इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो 516 से 517 हो जाएगा, 518 हो सकता है, इस टाइप से डॉट डॉट डॉट। और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाओगे तो 508 से 509 हो सकता है, 510 हो सकता है, ठीक है, 511 हो सकता है, इस टाइप से हो सकता है। अब जो नया जो टेंशन के बाद, टेंशन बढ़ाने के बाद, समझना इसको, टेंशन बढ़ाने के बाद जो नई फ्रीक्वेंसी मुझे मिली है इसकी, वो कुछ ऐसा है। अब इसके साथ ये ये जही नई फ्रीक्वेंसी है, इस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के साथ 2 बिट्स दिया, समझ रहे हो। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 512 था, 512 था, अब 512 के साथ देखो इसमें से कौन सा 2 बिट्स देगा, 512 और 517 कितने बिट्स हुए यार, ठीक है, तो ये जो है वो 5 बिट्स हो गया, 512 और 518 6 बिट हो गया। तो ये जो 516 है वो कभी भी 2 बिट नहीं दे सकता टेंशन बढ़ने के बाद। इसका मतलब ये हुआ, इसके साथ चेक करो, ये 508 से 509 हो गया, तो 509 और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 512 कितने बिट्स मिले यार, तो 512 ये तीन बिट्स मिल गया, ठीक है। अब ये 510 और 512 कितने बिट्स मिले यार, 2 बिट्स मिल गया। तो यहां पर हमें पॉसिबिलिटी बनता है और मिल रहा है, 510 जब हो जाएगा तो 512 के साथ 2 बिट्स दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि 508 एक्चुअल एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी है, मतलब डी ऑप्शन सही है। बस एक क्वेश्चन पकड़ लो, समझ जाओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मेरा पूरा लेक्चर देख लोगे तो मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे यार, तुम्हें 100% समझ में आएगा। ईच ऑफ द 2 स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, दो हमारे पास स्ट्रिंग है, इनकी लेंथ ऑलरेडी मेंशन है 5.16 एंड 40, इतना है, दो लेंथ है, टेंशन दिया हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ म्यू दिया हुआ है। व्हेन द स्ट्रिंग वाइब्रेट सिमल्टेनियसली द नंबर ऑफ बीट्स, हम लोग पर 2 स्ट्रिंग है, चलो एक स्ट्रिंग में ये मान लेता हूँ दोनों साइड अटैच है, और एक स्ट्रिंग ये, दोनों के एक साथ वाइब्रेट कर दिए तो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो गया, और फ्रीक्वेंसी जनरेटर के बाद F1 - F2 का जो डिफरेंस होगा वही हमें बीट्स देगा, बराबर है। ये सवाल है, इसको एक बार ऑसिलेट करा दिए और एक बार कुछ इसको ऑसिलेट करा दिए, तो हम लोगों को जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा, वही बिट्स देगा। तो इस टाइप के केस में फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी लिखते हैं V/2L, और V की वैल्यू कितनी भैया, तो 1/2L, और V की वैल्यू T/μ√ ये होती है। अब इन दोनों के लिए लगा देते हैं, पहले के लिए लगाऊं तो 1/2, पहले वाली की लेंथ कितनी है देखो, दिया होगा इसका 51.6 सेंटीमीटर है, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 0.516, और टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 20, और म्यू, म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ 1 ग्राम है, तो म्यू जो है एक्चुअली मास पर यूनिट लेंथ है और 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम 0.001 के आसपास ये एग्जैक्ट आ जाएगा, तो 0.001 अंडर रूट, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो दूसरे की लेंथ है 49.1, बाकी सब सेम ही रहेगा, तो दूसरे की जो लेंथ है F2, दूसरे की वो आ जाएगी 2 और ये आ जाएगा 49.1, तो ये पॉइंट लगा देता हूँ और ये 20 और डिवाइडेड 0.0001 अंडर रूट। अब हमें क्या निकालना, बोलो, बिट्स निकालना है, तो बिट्स निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस को मैग्नीट्यूड ले लूँ, तो F1 - F2 mod, इन दोनों को डिफरेंस लो लोगो तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2 और 20.0001 रूट के अंडर, और ये ब्रैकेट में 0.516 माइनस
0.491, इसको कैलकुलेट कर लेना तुम अपने हिसाब से, तो यह आ जाएगा 7 बिट्स, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना तुम। तो इस तरह से आप समझ गए होगे, बहुत आसान है, बेसिकली दैट इज 7 बिट्स आ जाएगा, बराबर है। नेक्स्ट, वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करके खुद ट्राई करो। द ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग विथ स्पीड, ये जो प्रॉब्लम है दैट इज डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन कैसे करते हैं, जो मैं बताया हूँ वो बहुत ही आसान तरीके से बताया हूँ डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन करना। आपको कोई नया साइन कन्वेंशन याद करने की जरूरत नहीं है। द ड्राइवर ऑफ ए स्पीड ट्रेवल 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ए हिल। चलो यहाँ पर एक मैं हिल बना देता हूँ, ये हिल मतलब पहाड़ है, ठीक है। तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे एरिया जहाँ बहुत अच्छे पहाड़ है, हिमाचल है, यहाँ से उत्तराखंड, हिमाचल है, कश्मीर है, एक ड्राइवर है वो 30 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, इस पहाड़ में टकराएगा नहीं, तो वो ये 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा और ये यहाँ से कोलिजन करेगा, तो बेसिकली टुवर्ड ए हिल, और वो फ्रीक्वेंसी जनरेट किया और वो 600 फ्रीक्वेंसी जनरेट कर दिया, बराबर है, साउंड जनरेट कर दिया। अब साउंड क्या होगा कि ये जो साउंड है वो इस हिल में जाएगा, हिल इस पहाड़ से कोलिजन करेगा साउंड वेव और वापस आके इसको सुनाई देगा। तो ये कहता है कि जब इसको सुनाई देगा, साउंड की स्पीड आपको 330 मीटर पर सेकेंड आपको ले लेना है। द फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड साउंड हियर्ड बाय द ड्राइवर, ड्राइवर जो है वो एफ डैश मान लो रिफ्लेक्शन के बाद इको के बाद सुनता है, तो उसकी कैलकुलेशन करनी है, बराबर है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको दो मेथड बताया था। पहला मेथड था इमेज मेथड। अगर ये जो ड्राइवर है उसका इस पहाड़ के दूसरे साइड में इमेज बना दूंगा और ये एक सोर्स की तरह ट्रीट होगा, ऐसा लगेगा ड्राइवर को कि जो साउंड है ये यहाँ से आ रही है। तो पहले मेथड में, फर्स्ट मेथड में मैं इमेज मेथड यूज करता हूँ, इसका मैं इधर इमेज बना देता हूँ और यहाँ से साउंड आएगा और ये अब ऑब्जर्वर हो जाएगा, ड्राइवर ऑब्जर्वर हो गया, साउंड का सोर्स इधर आ गया, साउंड इधर से आएगी, स्पीड जिसकी स्पीड ऑलरेडी मेंशन है। अब अपना एक्चुअल जो फार्मूला वो लगा दो, फार्मूला क्या था, एफ डैश इक्वल टू बी माइनस बी ओ और बी माइनस बी एस और मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। हमेशा याद रखना ओ ऊपर रहेगा, एस नीचे रहेगा, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा भूल जाए। आपको बस ये एक ही फार्मूला याद रखना है डॉपलर इफेक्ट के लिए जब तक मीडियम रेस्ट में है। चलो अब इसमें वैल्यू डालो। वैल्यू कैसे डालोगे, डायरेक्ट डाल दो, हमको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड पॉजिटिव ले लेते हैं, तो साउंड इधर से आएगी तभी तो ये सुनेगा, तो मैं इधर पॉजिटिव ले लिया तो ये आ जाएगा 330 और माइनस ऑब्जर्वर अब ये आ गया और ऑब्जर्वर इधर जा रहा साउंड के अपोजिट, तो ये माइनस एक पहले से था प्लस 30 आ जाएगा, बराबर है। अब 330 और माइनस साइड सोर्स इधर आ रहा है तो वो साउंड की डायरेक्शन में जा रहा तो पॉजिटिव रहेगा, तो माइनस 30 एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 600। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। इसको एक लाइन में बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसको काट कुट लेना, तो 360 मल्टीप्लाइड बाई 600 एंड डिवाइडेड बाई 300। तो इसको फाइनली कैलकुलेट करने के बाद बी ऑप्शन देखो इसका सही है, तो 720 आ रहा है, 720 0 को और ये 2, तो 36 × 72 ये 720 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगा, दैट इज बी ऑप्शन सही है, बराबर है। नहीं तो अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करना चाहते हो तो आप इसको दो स्टेप में कर सकते हो, दो स्टेप में। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं वो भी मेथड से, सेकेंड मेथड। चलो यहां से ड्राइवर आ रहा था, ये पहाड़ था और यहां से 330 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था, साउंड जनरेट कर दिया 330 से और फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज। दो स्टेप में करो, पहले इसने साउंड जनरेट किया तो ये हो गया सोर्स,
उसके बाद ये जो हिल है वो रिसीव करिया, तो ये हो गया ऑब्जर्वर। ये कितना रिसीव किया फ्रीक्वेंसी, f डैश। पहला स्टेप पूरा हो गया, हमने f डैश निकाला। दूसरे स्टेप में जब ये इको सुनेगा, पहले स्टेप में साउंड ऐसे गया, दूसरे स्टेप में साउंड रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो ये जो ऑब्जर्वर था पहले स्टेप में, ये खुद सोर्स बन जाएगा, और जो ड्राइवर है वो रिसीव कर रहा तो वो ऑब्जर्वर बन जाएगा। इसने अब ड्राइवर f डबल डैश रिसीव किया और f डबल डैश हमें निकालना। तो ये दो स्टेप सोल्यूशन हुआ, जो ये वाला मेथड अगर नहीं लगाओगे तो उससे भी, इससे भी आसान क्वेश्चन सेम आएगा। तो f डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v माइनस वीओ एंड v माइनस वीएस और मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो v 330 माइनस, इधर साउंड इधर जा रही है फर्स्ट स्टेप में, इधर मैं पॉजिटिव ले लिया हूं, तो ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर तो रेस्ट में ही है यार। और भी 330 और माइनस साइन सोर्स, सोर्स इधर जा रहा है तो ये माइनस वो प्लस ही हो जाएगा माइनस, और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 600। ये ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द वैल्यू एफ डैश, ढंग से थोड़ा और लिख लो, 330 मल्टीप्लाइड बाई 600 एंड डिवाइडेड बाई 300। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, ए एफ डैश है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, अब जो एफ डैश है वापस इधर से आएगा और इसको रिसीव करेगा, मतलब ये जो हिल था वो सोर्स हो गया और ये रिसीव किया ऑब्जर्वर एफ डबल डैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी वी माइनस वी ओ b माइनस वी एस और मल्टीप्लाइड बाई f सिंगल डैश एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो साउंड अब इधर से आ रही है, साउंड की स्पीड कितनी है देखो, 330, और मैं क्या किया हूँ, इधर मैं पॉजिटिव ले लूंगा, तो अगर मैं इधर पॉजिटिव ले लिया तो सोर्स ऑब्जर्वर कौन सा है, ऑब्जर्वर ये है इस टाइप, और ये इसके अपोजिट जा रहा है, तो इसके अब माइनस साइन पहले से और साउंड के अपोजिट है, साउंड उधर से आ रही है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, तो ये आ जाएगा प्लस 30 और डिवाइडेड बाई 330 और सोर्स इस टाइम यही बन गया है जीरो और मल्टीप्लाइड बाई ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 330 मल्टीप्लाइड बाई 600 एंड डिवाइडेड बाई 300। तो ये तो फाइनली सोल्यूशन यही है, देख लेते हैं इसको। 330 ने 330 को ख़त्म कर दिया और ये आ जाएगा 360 मल्टीप्लाइड बाई 600 डिवाइडेड बाई 300। तो दो जीरो ने दो जीरो के कट दिया, 3 × 6 = 36 × 72 हर्ट्स। द सेम प्रॉब्लम एंड द सेम क्वेश्चन, मेथड इज डिफरेंट। तो आपको डिसाइड करना कि कौन से मेथड्स के साथ ऐसे प्रॉब्लम को करोगे, क्योंकि बहुत बार नीट में पूछा गया है। मेरा आपके लिए सजेशन ये है कि इस मेथड से करो, एक सिंगल स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। एक वेव है, स्ट्रिंग एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ बताया जा रहा है। स्पीड 128 मीटर पर सेकेंड है इट, और 5 कंप्लीट वेव है 4 मीटर लेंथ में, समझना 4 मीटर का जो लेंथ है उसमें 5 कंप्लीट वेव आ जाती है। इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द वेव, मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या है, उस जो इक्वेशन निकालना वेव का। तो ये देखो, अगर एक वेव है इस टाइप से, एक वेव, दो वेव, तीन वेव, चार वेव और ये आ गया 5 वेव, इस तरह से 5 कंप्लीट वेव आ गई। ये एक वेव, दो वेव, तीन वेव, चार वेव, 5 वेव, तो 5 वेव कंप्लीटेड। ये जो लेंथ है वो 4 मीटर है एंड दैट इज 5 वेव्स आ गई। हम सबको पता है कि ये जो होती है एक वेव की जो लेंथ होती है वो होती है लैम्डा, वेव लेंथ, बराबर है। तो जो लैम्डा है, जो वेव लेंथ है, दैट इज 4/5, मतलब 0.8 मीटर, दैट इज द वेव लेंथ। यहाँ से हमें लैम्डा पता चल गया वेव का। अब जब हमें लैम्डा पता चल गया तो वेव ट्रेवलिंग अराउंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वेव की स्पीड भी दी हुई है 128 मीटर पर सेकेंड, दो दिया हुआ उसको छापो, जो पहले दिया हुआ उसको छापते हैं। एम्पलीट्यूड ए है वो 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 10^-2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.02 मीटर। चलो अब सारी चीज़ें तो पता ही चल गई, अब हमें जनरल इक्वेशन अगर मैं लिखूँ
तो जनरल इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये है। लेकिन इन्होंने ओमेगा टी माइनस के एक्स एक्स को पहले लिखा है, तो ये मैं माइनस ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इससे कोई डिफरेंस नहीं है, ऊपर वाला ही ये इक्वेशन है। अगर कोफिशियंट ऑफ ये एक्स क्या है, निगेटिव है, या देख रहे हो इनके साइन अपोजिट है, यहाँ एक्स निगेटिव है, यहाँ एक्स पॉजिटिव है और टी निगेटिव है, कुल मिला के स्पीड निगेटिव है, तो स्पीड निगेटिव है, तो ये जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही जा रही है। तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है तो ये इक्वेशन किसी भी कंडीशन में सही नहीं हो सकता, ये भी सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये वेव कभी भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में नहीं जा रही है। ये देखो, ये स्पीड इसका पॉजिटिव या निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, ये भी निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। तो या तो ए ऑप्शन सही है या तो सी ऑप्शन सही है, ये तो बात हम लोग को क्लियर हो गया बाय द गिवन कंडीशन की पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। कैसे देखते हैं, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और इसकी जो फंक्शन है, ये देखो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो कुल मिला के स्पीड निकालोगे तो स्पीड जो है वो निगेटिव आ जाएगा और निगेटिव स्पीड पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, इतनी सी बात। अब चलो, अब हमें निकालना है ओमेगा। ओमेगा के सबसे पहले के निकालते हैं, तो के की वैल्यू कितनी है, तो के इज इक्वल टू होता है 2π λ। तो यहाँ से 2π और लेमडा की वैल्यू 0.8 है। अब इन सबको डिवाइड कर लोगे तो यह आ जाएगा 7.85, दैट इज द के, बराबर है। अब ओमेगा निकाल लो, तो ओमेगा निकालोगे तो 2π फ्रीक्वेंसी निकाले हो, नहीं भैया स्पीड है, तो 2π तो फ्रीक्वेंसी, तो स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा होता है, तो स्पीड अपॉन लैम्डा, तो 2π स्पीड कितना है बोलो, 128, और लैम्डा हम पहले से निकाल चुके हैं 0.8, तो जब इसको काट कूट लोगे तो 1005 आ जाएगा, दैट इज द ओमेगा। तो अब ये सारा ले जाके यहाँ पे इसमें रख दो। ओमेगा की देखो, ए की वैल्यू 0.002 है। अब यहाँ ले जाके दोनों रखोगे और ऑप्शन मैच करो तो हम लोग का सी ऑप्शन मैच कर जाता है, दैट इज सी, बराबर है। नेक्स्ट, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। वेव जो है, जनरली बच्चे डरते हैं बहुत ज़्यादा, इसके पीछे मेन रीज़न और मेरा मतलब ये है, मेरा अनुभव और एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये चैप्टर लास्ट में पढ़ता है कोचिंग में और जल्दी जल्दी इसको निपटा दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है, और ये अपने आप में थोड़ा डिफिकल्ट तो है यार, तभी तो लास्ट में पढ़ाया जाता है, कुछ तो बात होगी ना। तो ये पॉइंट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइम पीरियड टी, एक हार्मोनिक ऑसिलेशन है जिसका टाइम पीरियड टी है, इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ऐसा हार्मोनिक इक्वेशन दिया हुआ है। आफ्टर द इलेप्स ऑफ व्हाट टाइम ऑफ फ्रैक्शन द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। अब ये कह क्या रहा है कि ये किसी पार्टिकल इक्वेशन ऑफ मोशन दिया हुआ है, कितने टाइम बाद फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। पहले मैक्सिमम वेलोसिटी थी निकालो, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा, तो वेलोसिटी भी dx/dt। तो यहाँ से अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ तो a साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t प्लस π/6, बराबर है, और ओमेगा टी π/6 का डिफरेंशिएशन लिख दूं एक बार, dy/dt इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस π/6, तो ये मुझे मिल जाएगा। देखो, ये इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा मिल जाएगा, मतलब ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस π/6, दिस इज द वेलोसिटी, जो मोशन दिया हुआ था उस मोशन का वेलोसिटी है ये, बराबर है। चलो,
अब हमें मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, चलो मैक्सिमम वेलोसिटी जब होगी, जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम वन होती है तो मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा है। अब जो कंडीशन दिया हुआ उसको लगाओ, कहता है वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी जो भी है वेलोसिटी भी वो हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी भी मैक्स का आधा है, ये कंडीशन दिया हुआ। इस कंडीशन के हिसाब से हमें टाइम पीरियड निकालना है, आफ्टर कितने टाइम टी की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल टी। तो इसको आसान है, इसको सॉल्व कर लो। अब ये जो कंडीशन है वो अप्लाई कर दो और इसको सॉल्व कर लो, मतलब ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स एंड ओमेगा मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा डिवाइडेड बाई टू। ये तो ए ओमेगा ने ए ओमेगा को ख़त्म कर दिया और यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स और कॉस वन बाई टू कितना होता है 60, तो 60 मतलब पाई बाई थ्री। ये तो अब यहाँ से अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई, इसको 2π/6 माइनस π/6 मतलब ये आ जाएगा π/6। ओमेगा की वैल्यू 2π टाइम पीरियड टी स्मॉल टी इज इक्वल टू π/6 मतलब ये आ जाएगा पाई ने पाई को, तो टी इज इक्वल टू टी अपॉन 12। इतने सेकंड बाद ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, चलो t/12। तो हमारे पास बी ऑप्शन सही है। वीडियो पॉज करो और फटाफट क्वेश्चन करो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो, दिमाग तेजी से चलाओ, फास्ट रोबोट की तरह। ये कहता है पीरियोडिक वेव्स ऑफ इंटेंसिटी I1 एंड I2 पास थ्रू ए रीजन ऑफ सेम टाइम पीरियड इन द सेम डायरेक्शन, द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। दो वेव हैं, उनका सुपर इम्पोजिशन हुआ, एक वेव अलग थी दूसरी अलग थी, इनकी इंटेंसिटी I1 I2 थी, तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का सम पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपको ये बात पता होगा कि जब दो वेव का सुपर इम्पोजिशन होता है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होती है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I जो होती है वो होती है I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 रूट कॉस फाई। फाई क्या है, इन दोनों में फेज का डिफरेंस है। ये P पॉइंट है स्पेस में, एक वेव इधर से आई और एक वेव इधर से आई, तो सुपर पोजिशन में जो इसकी इंटेंसिटी I1 थी इसकी I2 थी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस पॉइंट पे ये होगी। तो ये वाली चीज। अब हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालना, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी I मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, I1 प्लस I2 और प्लस 2I1 I2 रूट, क्योंकि I मैक्सिमम के लिए cos phi 1 हो जाएगा, I मिनिमम के लिए कॉस 180 हो जाएगा। तो ये I1 प्लस I2 और माइनस 2I1 I2 और ये आ जाएगा रूट, बराबर है। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, हम दोनों को जो कह रहा है वैसे कंडीशन लगा देना है, सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो इनका मैक्सिमम और मिनिमम का सम I मैक्स और प्लस I मिनिमम, इन दोनों का मैं सम अगर निकाल लूँ तो ये दोनों कट-कुट जाएंगे, ये दोनों कट गए, मतलब 2 I1 प्लस I2, मतलब फाइनल सॉल्यूशन ये है मेरे प्यारे बच्चों, 2I1 प्लस I2 मतलब बी ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट, ये कहता है वेव, हम लोग पास एक वेव है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है x एंड y आर मीटर एंड t इन सेकेंड, वेव ट्रेवलिंग, वेव किधर जा रही है। अब मैं आपको पहले ही बताया हूं कि ऐसे कैसे चेक करते हैं वेव किधर जा रही है, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये वेव किधर जाती है, पॉजिटिव x एक्सिस में, क्योंकि जो x है और t है उसके जो साइन है वो अपोजिट है, और जब इनका जो स्पीड निकालोगे प्यारे बच्चों तो वो जो स्पीड है वो निगेटिव आएगी, और निगेटिव स्पीड में वेव पॉजिटिव x एक्सिस में जाती है। अब इसको थोड़ा यहाँ उल्टा करके लिखा है, x को पहले लिख दिया, तो माइनस ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी ऐसे लिखा है, इस फॉर्मेट में लिखा है, बराबर है।
तो ये तो क्लियर हो गया कि इस फॉर्मेट में स्पीड निकालोगे तो कोफिशियंट ऑफ टी, कोफिशियंट ऑफ टी माइनस ओमेगा और कोफिशियंट ऑफ एक्स के, दिस इज द ओमेगा अपान के, निगेटिव आया तो अगर ये निगेटिव आया तो स्पीड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाती है। और वैसे भी यार जब तुम अच्छे से एक्सपर्ट हो जाओगे तो तुम ये स्पीड निकालोगे ना, यहीं देख के लगा लोगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो है वो वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाती है, ये कभी सही नहीं हो सकता, ये कभी सही नहीं हो सकता, दो ऑप्शन गए। बाकी हमें फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है और लैम्डा भी निकालना। फ्रीक्वेंसी और लैम्डा कैसे निकाले जाए, कंपेयर कर दो के इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन में कंपेयर कर दो। तो के जो होता है वो 2π λ के इक्वल होता है और यहाँ पर के की वैल्यू 10π के बराबर है। तो पाई ने पाई को मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 2/10 मतलब 0.2 meter वेवलेंथ आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 0.2 इसमें भी है, 0.2 इसमें भी है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी निकालना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एक काम करो, ओमेगा को कंपेयर कर दो, ओमेगा इज इक्वल टू 2π दिया हुआ, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π और ओमेगा 2π फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। तो 2π ने 2π को 2 ने 2 नो मतलब फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1 Hz, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी पाई हर्ट्स दिया जो कि गलत है, मतलब ए ऑप्शन सही है, बराबर है। नेक्स्ट, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। 2 vibrating tuning fork है प्रोड्यूस वेव्स, हमारे पास 2 tuning fork है, ले लो 2 tuning fork, ये ले लिया मैंने, एक ये ले लिया। अब अगर ये वाइब्रेट करते हैं तो उनका इक्वेशन दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर मिनट कितने बीट्स जनरेट होंगे उनकी हमें कैलकुलेशन करनी है। तो चलो अब y1 इज इक्वल टू 4 sin 500 πt ये दिया हुआ। हमें बीट्स तभी पता चलेगा जब इनकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। मान लो ये जो साउंड जनरेट किया ये फ्रीक्वेंसी F1 का और ये फ्रीक्वेंसी F2 का, तो बीट्स हो जाएगा F1 माइनस F2 का मॉड। ये 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से ज़्यादा होगा बीट्स फ्रीक्वेंसी डिफरेंस तो हमारे कान सुन नहीं पाएंगे भाई, कंटिन्यूस इंटेंसिटी सुनाई देने लगेगी। द बीट्स जो है इसलिए बोला जाता है कि बीट्स एक ऐसी सुपर पोजिशन की फिनोमिनन है जिसमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंस स्लाइटली होना चाहिए, कम होना चाहिए, कितना कम, नॉट मोर देन 10। चलो तो ये जो डिफरेंस है वो 10 से कम ही होना चाहिए, लेस देन 10। चलो तो यहां पहले इक्वेशन से ओमेगा 1 आ जाएगा, वो आ जाएगा 500 π, क्योंकि इसको मैं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t से कंपेयर कर दिया। तो यहां से 2π फ्रीक्वेंसी f1 इज इक्वल टू 500 π, तो पाई ने पाई को, तो यहां से f1 आ जाएगा 250 Hz, तो फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 250 Hz, बराबर है। चलो दूसरे का इससे कंपेयर करोगे, इस ये जनरल इक्वेशन है, इससे इसको कंपेयर करोगे तो ओमेगा 2 की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों वो 506 π आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आगे सॉल्व करूंगा, तो 2π फ्रीक्वेंसी F2 इज इक्वल टू 506 π, तो पाई ने पाई को और 2 ने 506 को, तो 5253 दैट इज F2 Hz। कैलकुलेशन बहुत तेज करो, दिमाग बहुत तेज चलाओ, निकाल लो बीट्स। तो F2 माइनस F1 मॉड जो बीट्स मिलेगा 500 253 में से 250 घटा दोगे तो कितना मिलेगा मेरे भाई, 3 बीट्स मिलेगा, और ये जो बीट्स आता है वो पर सेकंड होता है, तो 1 सेकंड में 3 बीट्स मिला, तो 1 मिनट में कितना बीट्स मिलेगा, तो बीट्स पर मिनट, तो कितने बीट्स आ गए यार, 60 × 3 मतलब 180 बीट्स 1 मिनट में ऑब्जर्वर सुनेगा, मतलब हम लोगों को बी ऑप्शन सही है। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। 2 sound waves ऑफ वेवलेंथ अलग अलग दिया हुआ है, प्रोपोगेट इन ए गैस विथ वेलोसिटी 330। वी एक्सपेक्ट द फॉलोइंग नंबर ऑफ बीट्स, हमें कितने बीट्स मिलने वाले हैं अगर 2 हम लोग पास वेव्स है। वीडियो पॉज करो
और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो, कहता है कि जो पहला साउंड वेव्स है उसकी वेव लेंथ लैम्डा वन कितना भैया, 50 मीटर। तो बिट्स तो तभी मिलते हैं जब स्लाइटली फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हो, और स्पीड दिया हुआ है कितना, 330। तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन लैम्डा। तो स्पीड कितना है, 330 और डिवाइडेड बाई 5, तो 5×30 और 66 हर्ट्स। तो पहली जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो 66 आ जाएगी, क्लियर है। चलो, दूसरी जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो आ जाएगी भी अपॉन लैम्डा 2। तो भी तो 330 यही है, और लैम्डा 2 वेव लेंथ जो है 5.5 है। तो 5.5 है तो पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और 11 से काट दो 3, और ये 5 है, ठीक है, और ये आ जाएगा 6, मतलब 60 हर्ट्स। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। भाई बिट्स निकालना, तो फ्रीक्वेंसी तो निकालूंगा दोनों वेव का, तो इन दोनों में जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वही बिट्स देगा। F1 माइनस F2 मॉड मतलब 60 माइनस 66 मॉड, दैट इज 6 बिट्स मिल जाएगा हमें। ए ऑप्शन सही है। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, फटाफट इसको सॉल्व करो। देखो, एक कहता है टाइम ऑफ रिवर्बरेशन ऑफ ए रूम इज 1 सेकेंड। अब टाइम T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, ये क्या होता है, देखो जब कभी भी बड़े बड़े लोग मीटिंग करते हैं तो जो जो हॉल होता है इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इको जनरेट ना हो और वो साउंड को ऑब्जॉर्व कर ले, और कर्टेन, टेबल, चेयर, आदमी भी साउंड को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो साउंड को 60 डे टाइम ऑफ रिवर्बरेशन समझना, टाइम ऑफ रिवर्बरेशन वो होता है कि साउंड जब से किसी सरफेस से कोलाइड हुई तो उसको 60 डेसिबल डिक्रीज होने में जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ रिवर्बरेशन होता है। ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो साउंड 100 डेसिबल है, अब इसको 100 से 40 डेसिबल होने में 10 सेकेंड लग गया, मतलब 60 डेसिबल कम होने में जो टाइम लगेगा उसको टाइम ऑफ रिवर्बरेशन बोलते हैं। तो 60 डेसिबल कम हो गया कितने टाइम में, 10 सेकेंड में, तो टाइम ऑफ रिवर्बरेशन 10 सेकेंड हो गया। ये अप्रॉक्सीमेट टाइम होता है, एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। तो चलो, अब इसका ये जो फार्मूला है, जनरली ये फार्मूला पढ़ाया नहीं जाता है, तो टाइम ऑफ रिवर्बरेशन का फार्मूला है तो 0.61 वॉल्यूम भी डिवाइडेड बाई ए और एस। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ द टाइम ऑफ रिवर्बरेशन ऑफ कैलकुलेशन, वेयर ए इज द एवरेज कोफिशियंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यस सरफेस एरिया है, भी उस रूम का वॉल्यूम है, 0.61 कॉन्स्टेंट है। तो ये कहता है कि टाइम ऑफ रिवर्बरेशन जो है टी इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और सरफेस एरिया के, ऐसे कुछ। तो टाइम टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू वॉल्यूम वी टू अपॉन वी वन, एंड ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, S1 अपॉन S2, ऐसे लिख सकता हूँ। अब कहता है डायमेंशन डबल कर दो, रूम का डायमेंशन डबल कर दो। तो डायमेंशन डबल करोगे तो पहले अगर वॉल्यूम भी था, वी वन भी था, तो डबल करने के बाद A8 भी आ जाएगा, और ये भी था तो, क्योंकि और सरफेस एरिया पहले S था, तो डबल होने के बाद ये 4S आ जाएगा, तो S ने S को, B ने B को, दैट इज 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड टाइम जो T2 आ जाएगा, टाइम T2 वो 2 टाइम्स T1, और T1 पहले 1 सेकेंड दिया था, तो T2 2 सेकेंड आ जाएगा। तो ये हमें 2 सेकेंड ऑप्शन सही है। ये फार्मूला जनरली पढ़ाया नहीं जाता है। चलो, ट्रांसवर्सल वेव प्रोपोगेटेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाई दिस इक्वेशन। अब हमारे पास एक वेव है, कैसी वेव है, ट्रांसवर्सल वेव, किधर जा रही है, अब बताया जा रहा है प्रोपोगेटेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नहीं भी बताया जाता तभी भी इस कंडीशन इसको देख के हम पता कर लेते हैं कि वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। द स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड निकालना, स्पीड निकालने के मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। पहला वो तरीका बताया हूँ शॉर्टकट, शॉर्ट टाइम में
शॉर्टकट क्या है भैया स्पीड निकालने का? कोफिशियंट ऑफ टी, कोफिशियंट ऑफ टी डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स। तो टी का कोफिशियंट कितना बोलो? माइनस फोर एक्स, और माइनस भी नहीं लिखोगे तभी भी वो मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। और एक्स का कोफिशियंट कितना है? 0.5 पाई, ये पाई है यार पाई, तो पाई ने पाई को और ये 10 से मल्टीप्लाई कर दियो तो ये आ जाएगा 2 मतलब 8 माइनस 8 मीटर पर सेकंड। वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है मतलब माइनस 8, तो ए ऑप्शन सही है। तो ये तो पहला तरीका हुआ। अब जो इसको जो ये मेथड नहीं जानता, जो ये ट्रिक नहीं जानता, वो कैसे करेगा उसको भी मैं करके आपको दिखा देता हूँ। वो क्या करेगा? कंपेयर करेगा वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से कंपेयर करेगा। चलो इससे कंपेयर करने पे स्पीड निकालने का क्या फार्मूला? स्पीड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ। वो फ्रीक्वेंसी निकालेगा, फिर वेवलेंथ निकालेगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, तब जाके स्पीड आएगा और उसकी जो लाइफ है वो बाहर आके एग्जाम के बाहर आके रोएगा। तो ये याद रखो ये वाला ट्रिक। अब चलो इससे भी कर ही लेते हैं एक बार। तो ओमेगा टी का कोफिशियंट कितना बोलो? 4 पाई है, तो ओमेगा ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई, और ओमेगा होती है 2 पाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई, तो पाई ने पाई को 2 ने 2 मतलब फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2 हर्ट्ज। ये चलो अब के का कंपेयर करो। के की वैल्यू x 0.5 पाई है, तो k इज इक्वल टू 0.5 पाई। तो 0.5 पाई जो है k 2 पाई लैम्डा के इक्वल होता है मतलब 0.5 पाई। इसका मतलब ये हुआ कि पाई ने पाई को, तो लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 0.5 आ जाएगा, बराबर है। तो 10 से मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट हट जाएगा और 2 टाइम्स मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 4 मीटर आ जाएगा। दैट इज द लैम्डा एंड दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड आ जाएगी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो दिस इज द स्पीड। तो ये वो ट्रेडिशनल मेथड है। इतना सॉल्व करोगे इतना टाइम नहीं है, डायरेक्ट टी से एक्स में डिवाइड कर दो स्पीड आ जाएगी। दैट इज ए ऑप्शन सही है। इस तरह से हम लोग